नहीं यहाँ पे की लगा, किस लिए लगा तो वो जाने रेलवे वाले जाने। कब लगाया गया नोटिस? 18 तारीख को लगाया सर। कोई कोई है इस पर कुछ किसी से बात? रेलवे भवन में हम सर दे चुके हम। अच्छा, रेलवे भवन में दे चुके। ये रेलवे की पटरी नहीं मरी थी जब से मस्जिद है ये। अच्छा, ये रेलवे लाइन डली नहीं थी उससे पहले की मस्जिद है। अच्छा, ये रेलवे लाइन जब डली नहीं थी उससे पहले ये मस्जिद का निर्माण हो गया। 150-200 साल पुरानी रेलवे लाइन है ये, 400 साल पुरानी मस्जिद है। 400 साल पहले से ये मस्जिद है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद जी, तो आपने ये नोटिस पढ़ा, आप कब से आते हैं यहाँ पे? भैया मैंने बताया तो अभी, तो मैंने नोटिस किया अभी, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला हूँ। अब आपने बताया था कि नोटिस लग गया जी। अब मैं देख लेता हूँ जी। मैंने देखा ही नहीं, मैं तो सीधा नमाज के लिए गया था। अच्छा, क्या कहेंगे आप, नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ पे, कब से आते हैं आप? 35-36 साल से आता हूँ। 35-36 साल से? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? इधर भजनपुरा, मुस्तफाबाद। तो भजनपुरा से आप यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद? भाई काम के पर्पज से आता हूँ, मैं बोला था मैंने अभी आपसे, काम के लिए आता हूँ मैं यहाँ। अच्छा, जो यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं? नमाज का वक्त हो जाता तो कभी कभी यहाँ नमाज पढ़ लेता हूँ, जहाँ मुझे टाइम मिलता वहाँ पढ़ लेता हूँ। महमूद जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो मस्जिद बनी है ये उत्तर रेलवे की जमीन पर बनी है, और उत्तर रेलवे ने अब इसको नोटिस जारी किया है कि 15 दिन के अंदर ये खाली कर दें, आप क्या कहेंगे? ऐसा कभी नहीं सुना, आज तक नहीं सुना, 35-36 सालों में हमने तो कभी सुना नहीं कि भाई ये रेलवे की जगह है, या रेलवे ने कभी नोटिस दिया हो, या रेलवे ने कुछ बोला हो कि एक्शन लिया हो, आज तक नहीं। तो रेलवे ही तो एक्शन ले रही है, रेलवे ने ही नोटिस जारी। बोल तो रहा हूँ मैं, आज तक ऐसा नहीं सुनने में, मतलब आप बता रहे हो। नहीं, मैं नहीं बता रहा, ये पीछे जो नोटिस चुपका हुआ है ये नोटिस बता रहा है। हम लोग तो यहाँ पर कवरेज करने आए हैं, आपकी बात करने आए हैं, मस्जिद का की बात करने आए हैं, आपसे जानने आए हैं कि आप कब से आते हो। मैं नहीं बता रहा, नोटिस बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता रहा हूँ कि आपने नोटिस के लिए मुझे बोला तो मैं अब देख रहा हूँ उसको, नोटिस को मुझे नजर आ गया कि नोटिस लग रहा है। अच्छा, तो आपकी किसी अंदर बड़े व्यक्ति से बात हुई कि नोटिस लगाया, कोई चर्चा हुई किसी से कि भाई? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई अभी, मैं तो मतलब जो बता तो रहा हूँ मैं, अभी मैंने कदम बाहर निकाले मस्जिद से, आपसे बात हो रही है मेरी। तो आप जब 35-36 साल से यहाँ पर आते, तो क्या हालात थी यहाँ पर, कैसा था माहौल? मतलब यहाँ कुछ बना हुआ था, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई थी, मैं देख रहा हूँ कि पीछे रेलवे का ट्रैक भी है, ये रेलवे था यहाँ पर क्या? ये जो दीवारें लगी हुई हैं, कौन सी दीवार? ये दीवार है, पीछे रेलवे है, पीछे रेलवे लाइन है, पीछे ही काफ़ी टाइम से जो है, काफ़ी टाइम से मतलब जो ये बिल्डिंग जो है, ये कोठी जो है, काफ़ी दिन से है। अच्छा, तो ये रेलवे कब से है? ये रेलवे जो है, जब आप आते थे तो रेलवे की लाइन के पास आते थे, कभी आपको दिखा कि रेलवे की लाइन है, क्रॉसिंग है, यहाँ पे रेल गुजरती है यहाँ से? ना, रेल तो उस तरफ गुजरती है, पिछली साइड में, बैक साइड में। अच्छा, हाँ, यानी बैक साइड में रेलवे गुजरती है। तो रेलवे का कहना है कि ये जमीन जो है, ये मस्जिद जो है, वो रेलवे की जमीन में बनी हुई है। अब पता नहीं क्यों कह रही है, कैसे कह रही है, ये तो देख सकते हैं आप, पीछे से रेल गुजर रही है और रेल की आवाज़ भी यहाँ पर आ रही है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं आपको नोटिस पढ़ के सुनवाने की कोशिश करूँगा कि आखिर नोटिस में क्या लिखा है। तो आप तस्वीरें देखिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने रेलवे भूमि को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया हुआ है, आप लोग अनाधिकृत रूप से रेलवे की जमीन पर बने अनाधिकृत भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को इस सूचना के 15 दिनों के अंदर स्वेच्छा से हटा दें, अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण भवन, मंदिर, मस्जिद, मजार को हटा दिया जाएगा, और इस प्रकार में इस प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, रेलवे प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, यानी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, जिससे रेलवे को सुरक्षित एवं संरक्षित रूप से संचालन किया जा सके। और नीचे भी आप तस्वीर देखिए, आदेशानुसार रेलवे प्रशासन, उत्तर रेलवे, दिल्ली। हालांकि तारीख इस पर नहीं डली है, और आज ये नोटिस चुपका है, और आज से 15 दिन का समय जो है वो बताया गया है कि 15 दिन के अंदर जो है, रेलवे का ये कहना है कि स्वेच्छा से मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, मजार हो, कोई भी जगह अगर रेलवे की है और वहाँ पर किसी तरीके का अतिक्रमण हुआ है, तो रेलवे, उत्तर रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि वह 15 दिन के अंदर उसको स्वेच्छा से हटा दे। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालाँकि भैया बात करेंगे आप, ज़रा कोई है यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति, कोई आप लोगों को क्या बताया ये नोटिस चुपकाने से पहले?
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके यहीं पे अंदर से अंदर रहते हैं कि? वो जो नोटिस चिपका है तो उनसे जाके पूछे ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो बताया नोटिस चिपकाने से पहले, नोटिस चिपकाया गया भाई साहब, नोटिस चिपकाया, उनसे जाके पूछे, हम लोग उसके पूछे, हम लोग की जानकारी नहीं। ये बताया आपसे पूछा गया, आपको ज्यादा जानकारी के लिए ना दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब से पूछे, वो सारी बातें आपको बताएंगे। तो बताएंगे यहाँ पर जो चश्मा लगा, कोई होगा, कोई जिम्मेदार होगा? नहीं, यहाँ पे की लगा किस लिए लगा तो वो जाने, रेलवे वाले जाने। कब लगाया गया नोटिस? 18 तारीख को लगाया सर। कोई कोई है इस पर कुछ किसी से बात? रेलवे भवन में हम सारे दे चुके हम। अच्छा, रेलवे भवन में दे चुके। इसका विरोध करेंगे? विरोध करेंगे इसका आगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जब तो हम लोगों के जो बड़े हैं सब देख कर रहे हैं, मीडिया वाले। अच्छा, जो बिजली यूज होती है उसका बिल भरा जाता है क्या? सब कुछ भरवा जाता है सब है। तो क्या अभी जब ये नोटिस चिपकाया गया तो कौन नोटिस लगाने आया? किसी ने तो बात तो करी होगी ना आप लोगों से, कोई अधिकारी आया होगा? तो यही बात सर, जब नोटिस चिपकाया बाकायदा लिखा हुआ तो वहाँ जाके पूछे ना, हम लोग उसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो पता होगा, मस्जिद आपकी है, आप यहाँ पर है, देख रहे हैं, आपको पता होगा। हम लोग यह नौकरी कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान साहब जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनको सारी बात मालूम है। रेलवे कह रही है हम पहले भी जो है नोटिस दे चुके हैं यहाँ पर। कहाँ पे? आज तक कोई नोटिस नहीं है। 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, फिर क्या करेंगे आप मानते हैं नोटिस को? मानेंगे आप क्या? भाई सर, नोटिस को मानते, वो हमारे जो बड़े हैं सेक्रेटरी साहब है हाफिज मतलब करें, वो देख रेख कर रहे हैं, हर सारी बात उन्हें। विरोध करेंगे जब तोड़ने आएंगे वो? तो वही लोग जाने। ये जो दीवार टूटी हुई है ये किसने तोड़ी हुई है सर? ये टूटा गया कि तोड़ा गया 2-3 महीना पहले, LNDO ने तोड़ा है। LNDO ने? हाँ, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने कहा ये दिल्ली वक्फ बोर्ड करे, अमानतुल्लाह खान साहब करे, हमारी प्रॉपर्टी है, और LNDO कार का हमारी प्रॉपर्टी। इसी बार ये जमीन, ये इसका कोर्ट में केस चल रही है, इसका केस कोर्ट में चल रही है। और ये मस्जिद का भी आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे इसके लिए? इसके लिए अमानतुल्लाह खान साहब ही बताएंगे सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका भैया? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। क्या करते, क्या देखते हैं? मैं असिस्टेंट इमाम हूँ, देख बच्चे को देख देख असिस्टेंट इमाम। चलिए, मोहम्मद सियामुद्दीन जो असिस्टेंट इमाम है उनका ये कहना है कि अमानतुल्लाह खान साहब को पूरी बात पता है, लेकिन जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है उसको लेकर अब जो है रेलवे प्रशासन क्या करेगा आगे, और जो है मस्जिद प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि मस्जिद प्रशासन का ये कहना है कि ये हमारी ज़मीन है, कई सौ साल पुरानी कह सकते हैं कि ये मस्जिद बनी हुई है, लेकिन अब जो है रेलवे ने यहाँ पर कौन है? अच्छा, चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर सेक्रेटरी साहब, हेलो। हाँ सेक्रेटरी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये जानना चाह रहे थे कि ये जो नोटिस जारी किया है तो नोटिस के बारे में आपसे किसी ने बताया? देखिए, ये लोग आए, जैसे हमें खबर मिली कि यहाँ पर ये 8 लोग थे और जो एक लेडी पुलिस थी और जेक पुलिस थी, ये यहाँ पर आकर लगा के चले गए। हमारे यहाँ एक इमाम ने बोला ये क्या है जी, ये कुछ नहीं है, ये रेलवे का नोटिस है जी। तो उन्होंने ये कहा एक आप ही लोग, तो उसने कहा ये तो इस पे ना साइन है ना रेलवे कुछ लिख रहा है, कहना ज्यादा बोलो नहीं, ये ले लो बस। अच्छा, वो तो हमारे जितने लोग यहाँ पे पढ़ाते रखते बेचारे ये अलग अलग गाँवों से आते सीधे होते घबरा गए, पुलिस के साथ ये डर गए कि आप भी ले लो। उसके बाद हमने जब हम वहां पहुंचे हमने देखा तो हमने फौरन इसकी कार्रवाई शुरू कर दी। DRM ऑफिस रेलवे नई दिल्ली के पास पहुंचे, वहां उनको रिसीव कराया, ये पेपर भी दिया जो रेलवे ने 2011 में काम किया था और हमसे कुछ जगह ली थी और उसके बदले में जगह बना के दिए 37 गज का था। इसका पेपर आपको ये यहाँ दे देंगे, ये देख लीजिएगा। ये जो जगह है रेलवे का कहना है कि ये रेलवे उत्तर रेलवे की है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कब से है ये मस्जिद? ये रेलवे की पटरी नहीं बनी थी जब से मस्जिद है ये। अच्छा, ये रेलवे लाइन डली नहीं थी उससे पहले की मस्जिद है। अच्छा, ये रेलवे लाइन जब डली नहीं थी उससे पहले ये मस्जिद का निर्माण हो गया। 150-200 साल पुरानी रेलवे लाइन है, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है। 400 साल पहले से ये मस्जिद है यहाँ पर जी। अच्छा, अभी आप क्या, अभी आप क्या, क्या आप भी लोग भी गए हैं कोर्ट में? क्या आपने भी जो अमानतुल्लाह खान साहब को बताया जा रहा है कि उनसे? हाँ हाँ, अमानतुल्लाह जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के जी, ये वक्फ बोर्ड के अंडर में मस्जिद आती है और हमने वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया है जी। वक्फ बोर्ड वाले अपना कोर्ट जा रहे हैं, ये ऑलरेडी इस मस्जिद का केस कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, पहले से इस मस्जिद का केस कोर्ट में चल रहा है? चल रहा है, अभी जो इन्होंने कार्रवाई करी थी ना LNDO वालों ने,
एलएनडी होने, तो एलएनडी जब फिर बकबोर्ड का चेयरमैन आए, हम लोग आए तो हमने कहा ये ऑलरेडी केस चला, आपने कैसे कार्रवाई कर दी जी, इसको रोका जाए। एसीपी हम मौजूद थे और डीसीपी हम सब मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई इसको रोका जाए। जब ये कोर्ट में, अच्छा दो तीन बार कोर्ट की तारीख थी, तो हमने कहा कोर्ट की तारीख है उसमें रखा जाएगा। कोर्ट में एलएनडीओ के लोग भी पहुंचे और कोर्ट की जैसे तारीख थी उन्होंने कहा कि बकबोर्ड के एडवोकेट ने कि ये आपने इस पर कार्रवाई कैसे कर दी, ये तो यहाँ पर ऑलरेडी केस चल रहा है।